किसान मोर्चे के भारत बंद के आह्वान पर आज हरियाणा के रादौर में भी भारत बंद का असर दिखा है। आपको बता दें कि यहां भी किसानों ने बुबका चौक पर सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग को जाम किया है। इस मौके पर किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी भी की। किसानों के इस भारत बंद का समर्थन विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा कई संगठनों ने भी किया है। वहीं किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस टीम भी मौजूद रही। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि दिल्ली में आंदोलन के आज 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज यहां हाईवे पर जाम लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 8 जगह सड़क पर जाम लगाया गया है, जबकि 1 जगह रेल मार्ग जाम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज शांतिप्रिय ढंग से शाम 5 बजे तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसान नेता प्यारे लाल तंवर ने कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती और MSP के बारे में कोई कानून नहीं बनाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं रादौर के गुमथला में भी किसानों ने करनाल यमुनानगर मार्ग जाम रखा और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। किसानों के भारत बंद का बाजारों में कई असर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों ने दुकानदारों से बंद में सहयोग करने की अपील भी की, बावजूद होली के त्योहार को लेकर किसानों की अपील का दुकानदारों पर कोई असर नहीं देखने को मिला और ज्यादातर बाजार खुले रहे। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, आज उसको पूरे 4 महीने हो गए हैं। संयुक्त मोर्चे का जो ऐलान था, आज 9 बजे से 5 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम होगा और इसी के तहत हमने यमुनानगर में भी 8 जगह सड़कें जाम है पूरे जिले में और 9वीं जगह है रेलवे ट्रैक, बिल्कुल रेलें भी बंद है और पूरे जिला की सारी सड़कें बंद है। आज दिनचर्या किसान अपना प्यार से शांति प्रिय से बाजार के बंद कराने की भी अपील करेंगे और बिल्कुल किसी को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। किसी ट्रैफिक को बिल्कुल बंद है और प्रशासन ने भी रास्ते दूसरी तरफ से कर दिया, प्रशासन भी साथ दे रहा है, बिल्कुल शांति प्रिय रहेगा। और इसके बाद जो भी हमारे संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी, कल परसों जो भी आएगी, और उससे वैसे ही किसान निभाते रहेंगे। सरकार जो है इस किसान आंदोलन की अनदेखी कर रही है, लेकिन जब तक जो है ये काले कानून रद्द नहीं होते, बिजली विधेयक को वापस नहीं लिया जाता और MSP को जो है कानूनी जामा जब तक नहीं पहनाया जाता, तब तक जो है ये किसान आंदोलन जो है जारी रहेगा। और जो सरकार कह रही है कि भाई इन कानूनों में काला क्या है, ये कानून ही सारे के सारे काले हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक